यस, क्योंकि आप 10 मिनट में ये लोग बहुत बड़े सुपरस्टार्स बनने वाले हैं। 1991 जी भाई, बहुत अलग चीज है, बहुत अलग ही चीज है ये। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। ये गाड़ी इसमें आज तक भी इंजन है। ये का पहला आइल्यूजन गेट ट्रिक्ड इन। नाइस यार, सच में नाइस। बड़ी मुश्किल से दिखाया भाई ये रामोजी फिल्म सिटी। बहुत इधर उधर घूमते घूमते पहाड़ियों से आते आते अब जाकर मिला है ये। और भाई बहुत लोग घूमने आते हैं, देखो यार सामने कितनी बसेस खड़ी है यहाँ पर, कितने लोग घूमने आते हैं भाई। तो भाई साहब ये है अपना फ्रंट एरिया रामोजी फिल्म सिटी का। यहाँ पर अंदर टिकट विंडो है, बाकी ये है विजिटर्स के लिए। पार्किंग एरिया आप देख सकते हो, पूरी की पूरी पार्किंग अपने धनों में वहीं पार्क हुई है। बाकी आए हाय हाय, बहुत टाइम से मन था भाई साहब यहाँ पर आने का और आज आ गया हूँ रामोजी फिल्म सिटी के यहाँ पर। चलो अब चलते हैं और टिकट लेते हैं यहाँ पर अंदर चलकर एक बार। भाई साहब 1593 रुपये 1593 का एक टिकट है साहब। ये है रामोजी का पूरा टिकट काउंटर। अंदर नहीं लिया क्योंकि अंदर क्या है ना, गाने चल रहे हैं तो कॉपीराइट का सीन होता है थोड़ा सा। 1593 का टिकट है भाई, एक जने का, गजब। वह भाई जिस कोने में जाओ उस कोने में बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं भाई। कहाँ कहाँ डबिंग ना, मतलब वॉइस ओवर ना करूँ भाई। से अपनी एंट्री वगैरह होती है यहाँ पर, ठीक है। और ये बसेस खड़ी है यहाँ पर, इन बसेस के थ्रू अपन को ले जाया जाता है घुमाने के लिए अलग अलग जगह पर। पता नहीं कौन सी कार्ट है, देखो लोग वेटिंग कर रहे हैं कि लोग आएंगे उसके बाद भरेगी जब जाएगी भाई। यहाँ पर क्या होता है कि वेटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होती है, कि 10-10 मिनट का गैप है बस, निकलती रहती है। क्योंकि क्या होता है लोग तो आएंगे जाएंगे, बस कितनी देर तक वेट करेंगे। तो अंकल ने बताया अपन को कि ऐसा ऐसा सीन होता है, और एक बार स्कैन हो गया तो आप वापस रिटर्न नहीं जा सकते। तो बाकी काउंटर्स वगैरह हैं वाटर बॉटल्स के, तो बॉटल्स वगैरह वहीं से ले लेंगे। तो भाई साहब कम ही लोगों के साथ हो चुकी है अपनी रवानगी, अपनी जो बस है उसकी हो चुकी है रामोजी फिल्म सिटी के लिए रवानगी। और एक्चुअली ना जहाँ अपना टिकट काउंटर है वहाँ से भी लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है भाई। देखो कितनी बसेस है भाई, यहाँ से जाते हैं लोग रामोजी की बसेस के द्वारा वहाँ पर। अब यहाँ पर बस के अंदर अपन को दूरदर्शन चैनल दिखाया गया है, टीवी लगा हुआ है, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है इस रामोजी फिल्म सिटी को, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पर है। तो भाई साहब ये पहुंच चुके हैं अपन रामोजी फिल्म सिटी के गेट पर। आप देख सकते हो क्या नज़ारे हैं भाई साहब, एंट्रेंस ही ऐसी बना रखी है तो अंदर क्या होगा भाई। देखो ये रामोजी के एंट्रेंस और बाकी आए हाय हाय, क्या धमाकेदार लग रही है एंट्रेंस। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है भाई साहब। बाकी देखा आपने गेट कैसा था? बहुत दिन बाद गया बस से हटकर, मतलब वो बाइक से हटकर बस के अंदर आया हूँ बहुत दिन बाद। तो बाइक तो गाइज ये होती है विंटेज बस। अपन आए तो इस बस के अंदर है लेकिन घूमा जाएगा अपना विंटेज बस के अंदर। आप देखना कैसे कैसे घूमते हैं विंटेज बस के अंदर अपन भाई साहब। हर कोने के अंदर अलग अलग सेट बने हुए हैं, मतलब अगर आप यहाँ एंटर कर गए ना एक बार रामोजी के अंदर तो आपको किसी और कोने के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली आप देखो भाई किस किस तरह का रूट बना हुआ है, मतलब लोकेशन बनी हुई है वहाँ। एक खड़े पिलर थे यहाँ पर, जो घूमे हुए पिलर ऐसे बना रखे हैं, मतलब हर कोने पर अलग लोकेशन है भाई, हर कोने पर अलग लोकेशन। गजब यार, ये देखो ये पिलर्स अलग, सच में यार मतलब आप हर पल पल के कदम पर अलग सिटी अलग लोकेशन पर पहुंच जाओगे। और देखो भाई ये क्या क्या स्ट्रक्चर बना रखे हैं भाई साहब रामोजी फिल्म सिटी, अमेजिंग। ऐसा वेलकम है तो आगे क्या होगा, सीरियसली मैं भी देखना चाहता हूँ। गाइस आपसे हकीकत में कहने वाला हूँ ये बात कि आपको पूरे ब्लॉग के अंदर मज़ा आने वाला है, हर कोने पर इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है मुझे। मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि पूरा ब्लॉग देखना, इतना मज़ा आएगा जिसकी हद नहीं है यार। जितना हो सकेगा पूरा दिखाऊंगा आपको कि कोना यहाँ का कितने एरिया के अंदर फैला हुआ ये 1666 एरिया के अंदर, एकड़ के अंदर। और इसकी ओपनिंग जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी भाई? 91 से। और इसको शुरुआत करने वाले मतलब लाने वाले कौन थे? रामोजी राव राव। कौन थे वो? इज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। ओके रामोजी राव राव। ओके भाई साहब रामोजी राव राव कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर है तो उन्होंने इसका स्टार्ट किया था यहाँ पर 1991 में, और 1661 एकड़ के अंदर फैला हुआ है भाई, गजब। जी भाई बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग ही चीज़ है ये। पूरा का पूरा सेट बनाया हुआ है यहाँ, जैसे अगर कोई मूवी का सीन लग रहा है ना तो यहाँ फूड काउंटर लग जाएंगे, स्टॉल लग जाएंगे, पीछे की शॉप से वो भर जाएगी, सब नकली सेट बनते हैं पूरे के पूरे, गजब यार। एक्ट्रेस की दुनिया सीरियसली, बहुत टाइम बाद एक सेट के ऊपर, मतलब बहुत बड़े सेट के ऊपर, ठीक है।
एक एक्टर का सपना होता है कि अपनी चीज़ों को देखता रहे, अपनी चीज़ों पर जाता रहे। एज एन एक्टर मैं भी चाहता हूँ कि बार बार सेट पर आने का मौका मिले, लेकिन आज जाकर देखने को मिल रहा है कि हाँ इतना बड़ा सेट, एक फीलिंग होती है कि एक एक्टर की कि हाँ यार सेट सेट ही होता है, तो बस इतना बड़ा सेट पर आया हूँ आज पहली बार। देखो भाई पूरा किस तरह से लाइटिंग होती है सेट के ऊपर, ये कैमरामैन बैठा हुआ, इधर डायरेक्टर बैठा हुआ, ये पूरी टीम बैठी हुई। ओ हो हो यहाँ पर गाने चलते रहते हैं और ये है कोई लाइट कैमरा एक्शन हॉलीवुड ब्लैक लाइट स्पेक्टेकुलर, देखते हैं अंदर क्या है। अब एक तो यहाँ पर करनी पड़ेगी अपन को वॉइस ओवर, उसके अलावा अपन को लगाना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा म्यूजिक। मतलब अलग अलग एडवेंचर हॉरर एनिमेशन हर तरह की क्लिप्स थी यहाँ पर, और बाकी और भी चीज़ें यार अभी तो बहुत बड़ा है यार, देखते हैं क्या क्या है। और ये अपने डायरेक्टर साहब, ये अपने एक्टर साहब, ठीक है। डायरेक्टर साहब बेचारा बहुत परेशान है, एक्टर क्या ढंग से काम नहीं कर रहा, बार बार टेक ले रहा ही है, अरे टेक क्यों ले रहा तो बार बार। अरे अपने डायरेक्टर साहब बेचारे कैसे बैठे हैं यार मरीजों की तरह, है ये टैग ही नहीं ले रहा अच्छे से, बार 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 कट बोल रहा है बार बार, अरे तो करेगा आप भाई। ये ट्रॉली देखो, और ये विंटेज कार्स, और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है अपने कोटा में भी है, है भाई। दोस्ताना मीटिंग एंड डाइनिंग पैलेस, ABC कॉन्फ्रेंस सेमिनार, ड्रिंकिंग वाटर सब ये है। गाड़ी इसमें आज तक भी इंजन है, इंजन है क्या रबड़ का। ये देखो रामलीला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जने कितनी मूवीज के पोस्टर लगाए हुए हैं भाई, जय हो। मतलब तीन लोगों को बोलो वही वाला डायलॉग सबके लगे हुए हैं भाई, ये ऑस्कर तो ये है वो जगह जहाँ पर दिखाया जाएगा कैसे होता है फिल्म मेकिंग का प्रोसेस। चलो आप भी देखना कैसे होता है, ये देखो बड़े बड़े कैमरास, नाइस यार। और ऊपर ना जब भी सेट आप देखेंगे तो ऊपर छत नहीं होती है, ओनली लाइटिंग्स होती है ऊपर। देखो कैमरा स्पॉट हो रहा है भाई, इधर डायरेक्टर साहब आए हाय, ही इज द ओनली गाय जिन्होंने रामोजी फिल्म सिटी को बनाया। जैसे ही वहां का इंट्रो देखकर दरवाजे खुलना तो भाई साहब जो लोगों की भीड़ आई है, और ये धूम की गाड़ियां देखो भाई, डमी डमी फेसेस लगाए हुए हैं बस, बाकी स्कूल के बच्चे वगैरह सब आए हुए हैं भाई। डायरेक्टर साहब की कुर्सी और ये नकली गाड़ियों के हेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन, Good afternoon. Welcome to Shooting Stage. आप सबको तो पता है, you all are in shooting theater. Now today you all are going to get a first-hand experience of movie making. So for that, I request. Yes, क्योंकि आप 10 मिनट में ये लोग बहुत बड़े सुपरस्टार्स बनने वाले हैं, सेलिब्रिटी भी हो जाते हैं, सो हम सबको ऑटोग्राफ देना मत भूलना, ओके? Now do one thing, very simple का काम है, फिलहाल आप तीनों जाना है वो स्टार रूम के अंदर, प्लीज गो इनसाइड द स्टार रूम। मैडम गड़ी स्टोर रूम, गलती से स्टोर रूम में जाना, स्टार रूम में जाना। दोस्तों जोरदार तालियां दबाना ही चाहिए, पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम देम। मैडम यू आर सेंटर बाइक, मिडिल बाइक में बैठिए सर, आप यू आर हियर, जिस जो भी समझ लीजिए हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके अभी ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली, आपका सीन है, जस्ट इमेजिन करिए, यू थ्री मेंबर्स आर बैंक रॉबर्स, ओके, बैंक से पैसे चोरी करके भाग रहे हैं। सामने देखिए, इन फ्रंट ऑफ यू लाइव कैमरा इज देयर इन दैट बॉक्स, और पीछे से पुलिस आ रहे हैं, समवन चेजिंग ऑन यू, सो व्हाट विल यू डू, क्या करते आप लोग, स्माइल करते, यस एस्केप होने का एक्टिंग करना है, सो स्लोली स्लोली स्विंग द बाइक लेफ्ट और राइट, ओके, दिस इज अर एक्सीलेटर, रेज करिए। When I say look back, turn the face right side, look that green mat, immediately focus that camera, okay? बस इतना ही acting है, ready? Okay, lights on, camera की तरफ देखें, look at camera, position, action, start. Slowly, slowly swing the knife, slowly, slowly balance. And हमारे stars पर देखिए ऊपर, they are on the screen. Raise the bike, तेज चलाइए, गाड़ी का speed बढ़ाइए,
यस लुक बैक, अभी पीछे देखिए, लुक बैक लुक बैक. Super, keep going. दोस्तों, can you see that green mat? देख रहे हैं ना वो green mat को? It is used to change any background. Green or blue mat इस्तेमाल करके कौन सा भी background change कर सकते हैं. This process called chroma effect. Okay, got it. ठीक है, बहुत बढ़िया है. Amazing experience है, बहुत amazing experience था. बहुत दिन बाद एक shoot किया है मैंने, बहुत दिन बाद. आज से एक साल बाद एक shoot कर रहा हूँ. बहुत मतलब एक साल और पहले किया था एक shoot, उसके बाद आज एक shoot किया है. एक ये तो normal shoot था, बाकी मजेदार था यार. बारिश 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 रेन बारिश वर्षा. दोस्तों, वी डिड वन स्मॉल डेमो ऑन द स्टेज हियर, तो स्क्रीन उधर देखना है आप. सर रेडी स्टार्ट. हवा स्लो स्लो सर, फाइट सर. फाइट स्टार्ट नाउ. एक्सेलेंट शुरू हो गई, कीप गोइंग, कंटिन्यू. जब तक टीवी में ये गेम चलता है तब तक बाइक और हवा चलते रहना है. डोंट स्टॉप इन बिटवीन, बीच में रुकना नहीं है. यू हैव टू कंटिन्यू अंटिल एक्सरसाइज लगातार बने रहिए. दोस्तों, बहुत अच्छे शुरुआत है. जो तालियां तो होना चाहिए हमारे टेक्नीशियन के लिए. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम. इफ यू हियर बाइक रेसिंग साउंड इन द मूवी शूट. वाओ, एक्सीलेंट, व्हाट अ टाइमिंग. जो इधर से आए इधर पहुंच गए, पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ. चिकन आवाज़ का भाई, ये चिकन पफ 70 रुपए का, 25 क्लियर किया आपका सब. और ये पूरा का पूरा फिल्मी दुनिया का गिफ्ट शॉप है. और बाकी यहाँ चीज एक्शन और बाकी यार मजा आया. अपनी पिक्चर रिलीज हो गई आज बहुत दिन बाद. जितना घूमा उतना कम है इसको तो. ये पता नहीं क्या है, ये फूड काउंटर रेस्टोरेंट एरिया है और ये फिल्मी दुनिया का है कुछ. ठीक है, जने क्या क्या है, जने क्या क्या है यार. भाई सामने फिल्मी दुनिया भी, यहाँ अपनी मूवी रिलीज करा के आया हूँ. ये रेस्टोरेंट वगैरह है और बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा है यार. फ्राइड राइस है, मंचूरियन, ये किमची किमची और ये कोई चीज़ है. ये कोई फेवरेट मतलब फेमस डिश है यहाँ की, साउथ कोरिया की. तो ये 350 रुपये कुछ का है प्लेटर, बहुत महंगा है. हमारे कोस्टली चीज़ें ज़्यादा कोस्टली चीज़ें, इतना टेस्ट का ही बोलूँगा, टेस्ट का थोड़ा सा लफड़ा है. बाकी ठीक है यार, अब पेट भरने के लड़ाई एक बढ़िया जगह है. मतलब बहुत बड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ, ये भी कुछ भी नहीं हुआ अभी तक. जब पेट बुझा अब करते हैं काम दूजा, फोटोग्राफी वाला. ये पैसिफिक कोस्ट ऑयल कंपनी, ये देखो पेट्रोल डलवाना है, ये गड़े यहाँ पर. नाइस, अब स्पेस यात्रा के अंदर देखते हैं स्पेस यात्रा किस तरह की होती है अपनी. बाकी मजे तो एक नंबर आ रहा है भाई, एक नंबर मजा आ रहा है. और पता नहीं यहाँ लिखा हुआ है वेटिंग टाइम 15 मिनट्स 30 मिनट्स. जाने क्या क्या बना हुआ है यार, सीरियसली ये है क्या. ओके, यहाँ कुछ शो चल रहा है, यहाँ बैठना है. इतना टाइम है नहीं भाई, 15 मिनट 20 मिनट वेट करने का, क्योंकि पता नहीं यार बाद में अगर बंद कर दें और एंट्री क्लोज कर दे तो क्या मतलब है. ओ, ये किधर आया मैं, ये तो बंद है, इधर कुछ जाऊंगा मैं. चलो ओ इधर. तो ये है अपना वाइल्ड वेस्ट का पूरा एरिया भाई साहब. सीन ऐसा लाइक आपने देखा होगा ना, काउबॉय वाला एरिया. ओहो देखो ये ब्रिज और सामने पानी भरा हुआ, क्या ही सेट वाले सीन बना रखे हैं यहाँ पर यार. मतलब हर कदम पर कुछ नई चीज. ये देखो ब्लैक कैट वेयर हाउस और बहुत सारी चीज़ें, कार्ट खड़ी है घोड़े की, नकली घोड़े की. गजब यार, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा. ओ भाई साहब ये संदूक वगैरह देखो यार, पूरा सेट की तरह बनाया हुआ है. ओहो हो, संदूक में पड़ी है बोतलें, ये भी एक संदूक है. ये देखो ये ड्रम्स. ओहो क्या बात है, नाइस यार, सच में नाइस. ये पता नहीं क्या है, बारिश आने लग गई, बारिश आने लग गई. ये देखो भाई साहब ना, रॉबिनेट वाला जमाना छोड़ के अपन जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बारिश ने थोड़ी दस्तक दे दी है. अब विंटेज उसमें चलते हैं अपन भाई.
रामोजी फिल्म सिटी सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. हाँ अमेजिंग एक्सपीरियंस. ये यूरेका आईफिल टावर वो जनक इसका मुंह नाइस. ये रेस्टोरेंट है शायद अंदर कॉम्प्लीमेंट्री है. कैरोसेल भी कॉम्प्लीमेंट्री है. बाकी देखते हैं होता है नहीं होता है. भाई इसमें जाते हैं देखें एक बार. रुको चलते हैं. ऐसा कुछ सेट बना हुआ है यहाँ पर. और भी बहुत सारे सेट हैं. बच्चों वाला गेम भी खेल लिया अपन ने. कॉम्प्लीमेंट्री राइड थी, फ्री राइड थी. पहली बार बैठा हूँ इस चीज़ के अंदर. तो और बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा. बिकॉज क्या है ना, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप देखोगे नहीं. तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. बाकी हाँ पार्ट टू का वेट भी करें. और हाँ प्लांट लगाना मत भूलना. हरा रहे इंडिया तभी तो भरा रहे इंडिया. थैंक यू सो मच गाइज.